हेलो बच्चों, आज मैं क्लास एट का चैप्टर एट रिश्ते कमाइए लाई हूँ। कि कैसे रिश्ते कमाए जाते हैं, कैसे संबंध बनाए जाते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। किसी का भी काम हो, अगर तुम्हारे हक में है, अगर तुम उसको कर सकते हो तो ज़रूर करो। तो यहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे रिश्ते के बारे में। ये रिश्ता बहुत ही अमूल्य चीज़ होता है, रिश्ते को बनाए रखना चाहिए। देखिए, एक बार मैं अपने एक मित्र का तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट ऑफिस गया था। लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म लिया और भर दिया। काफ़ी समय हो चुका था, अब हमें पासपोर्ट की फ़ीस जमा करनी थी। लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आया, बाबू ने खिड़की बंद कर दी और कहा कि समय खत्म हो चुका है, अब कल आइएगा। मैंने उससे मिन्नतें की, उससे कहा कि आज पूरा दिन हमने इसी काम के लिए निकाला है और बस अब केवल फीस जमा कराने की बात रह गई है, कृपया फीस ले लीजिए। बाबू बिगड़ गया, कहने लगा, आपने पूरा दिन लगाया तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ क्या? अरे सरकार ज़्यादा लोगों को तैनात करे, मैं तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूँ। खैर, मेरा मित्र बहुत मायूस हुआ और उसने कहा कि चलो अब कल आएंगे। मैंने उसे रोका और कहा, रुको, एक और कोशिश करता हूँ। बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। मैंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वह एक कैंटीन में गया, वहाँ उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे अकेला खाने लगा। मैं उसके सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। मैंने बात शुरू करते हुए कहा, आपके पास तो बहुत काम है, रोज़ बहुत से नए नए लोगों से मिलते होंगे। मेरे प्रश्न पर वह कहने लगा, हाँ, मैं तो एक बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ। कई IAS IPS विधायक रोज यहाँ आते हैं, मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं। फिर मैंने उससे पूछा, एक रोटी आपके प्लेट से मैं भी खा लूँ? उसने हाँ कहा। मैंने एक रोटी उसकी प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा, आपकी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती है। मैंने उसे कहा, आप बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं, तो क्या आप अपनी कुर्सी की इज्जत करते हैं? आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, लेकिन आप अपने पद की इज्जत नहीं करते। उसने मुझसे पूछा, ऐसा कैसे कहा आपने? मैंने उसे समझाते हुए कहा, जो काम दिया गया है उसकी इज्जत करते तो आप इस तरह रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। आपका कोई दोस्त भी नहीं है, आप दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाना खाते हैं, अपनी कुर्सी पर मायूस होकर बैठे रहते हैं, लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की जगह अटकाने की कोशिश करते हैं, बाहर से आकर सुबह से परेशान हो रहे हैं लोगों के अनुरोध करने पर कहते हैं कि सरकार से कहो ज़्यादा लोगों को तैनात करें। अरे ज़्यादा लोगों के तैनात होने से तो आपकी अहमियत घट जाएगी, हो सकता है आपसे यह काम वही काम ही ले लिया जाए। भगवान ने आपको मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन अपना दुर्भाग्य देखिए, आप इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। मेरा क्या है, कल आ जाऊँगा या परसों आ जाऊँगा, पर आपके पास वो मौका था किसी को अपना एहसान मंद बनाने का, आप उसे चूक गए। मैंने देखा कि वह मेरी बात सुनकर कुछ विचार कर रहा है। मैंने बात जारी रखते हुए आगे कहा, जीवन में आप पैसे तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। यहाँ पर रिश्ते की अहमियत दी गई है, लोगों से अच्छे व्यवहार की अहमियत दी गई है। क्या करेंगे पैसों का, अपना व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे तो आपके घर वाले भी आपसे दुखी रहेंगे, यार दोस्त तो पहले से ही नहीं है। मेरी बात सुनकर वह रुआंसा हो गया। उसने कहा कि आपने बात सही कही है साहब, मैं अकेला हूँ, पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते, माँ है वह भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती, सुबह 4-5 रोटी बनाकर दे देती है और मैं तनहा खाना खाता हूँ, रात में घर जाने का भी मन नहीं करता, समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। मैंने हौले से कहा, खुद को लोगों से जोड़िए, किसी की मदद कर सकते हैं तो कीजिए। देखो, मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ, मेरे पास तो पासपोर्ट है, मैंने दोस्त की खातिर आपकी विनती की निस्वार्थ भाव से,
इसलिए मेरे पास दोस्त है, आपके पास नहीं है। वह उठा और उसने मुझसे कहा, आप मेरी खिड़की पर पहुंचिए, मैं आज ही फार्म जमा करूंगा। और उसने काम कर दिया। फिर उसने मेरा फ़ोन नंबर मांगा, मैंने दे दिया। बरसों बीत गए, इस दिवाली पर एक फ़ोन आया। रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ साहब, कई साल पहले आप हमारे पास अपने किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। आपने कहा था पैसे की जगह रिश्ते बनाइए, मुझे एकदम याद आ गया। मैंने कहा, हाँ जी चौधरी साहब, कैसे हैं? उसने खुश होकर कहा, साहब आप उस दिन चले गए, फिर मैं बहुत सोचता रहा। मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता। मैं साहब अगले ही दिन पत्नी के मायके गया, बहुत मिन्नतें कर उसे घर लाया। वह मान ही नहीं रही थी। वह खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ले कहा कि साथ खिलाओगी। वह हैरान थी, रोने लगी, मेरे साथ चली आई, बच्चे भी साथ चले आए। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ, जो आता है उसका काम कर देता हूँ। साहब आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फ़ोन किया है, अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको आना है बिटिया को आशीर्वाद देने, रिश्ता जोड़ा है आपने। वह बोलता जा रहा था, मैं सुनता जा रहा था। सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी ज़िंदगी में भी पैसों की जगह रिश्ते महकने लगेंगे। तो इसे हम लोग को मैसेज क्या मिलता है कि आदमी भावनाओं से संचालित होता है, मतलब चलता है, और कारणों से नहीं। कारणों से तो मशीनें चला करती हैं, मतलब इमोशन होना चाहिए। अगर आपके पास इमोशन नहीं है तो लाइफ भी नहीं है, तो हम मशीन हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पर। लेखक पासपोर्ट ऑफिस क्यों आए थे? पासपोर्ट बनाने के लिए। बाबू ने खिड़की क्यों बंद कर दी? समय खत्म हो चुका था इसलिए। बाबू खिड़की से उठकर कहाँ गए? कहाँ गया? कैंटीन। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसको पढ़कर आंसर देना है। पर आपके पास वो मौका था किसी को एहसानमंद बनाने का, आप उसे चूक गए। तो श्रोता कौन है, मतलब कौन सुन रहा है? बाबू। उसने कौन सा मौका छोड़ दिया एहसानमंद बनाने का? एहसानमंद बनाने का कौन और कैसे श्रोता का एहसानमंद बन जाता? बाबू। कौन और कैसे श्रोता का एहसानमंद बन जाता? यहाँ पर कौन और कैसे श्रोता का एहसानमंद बन जाता? तो यहाँ पर जो बाबू बन जाता है एहसानमंद, और कैसे बन जाता? पासपोर्ट बनाकर। जब वो पासपोर्ट बनाता है बन जाता है, वो जो आए थे पासपोर्ट नहीं है, श्रोता का एहसानमंद बन जाता। बाबू कौन और कैसे श्रोता का एहसानमंद बन जाता? बाबू बन जाता पासपोर्ट बनाकर। बाबू अगर उस आदमी का काम कर दिया होता, पासपोर्ट बना दिया होता, तो एहसानमंद बन जाता। वक्ता की बातों का श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या उसने काम किया? वक्ता की बातों का श्रोता पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा, और उसने काम किया नहीं, हाँ उसने काम किया, फिर उसके बाद सबके जितने भी काम होते थे वो कर देता था। सही गलत का। बाबू ने खिड़की बंद कर दी क्योंकि उसे भूख लगी थी। गलत, टाइम हो गया था। बाबू कैंटीन में बैठकर अकेला खाना खा रहा था, हाँ सही। बाबू अपने पद की बहुत इज्जत करता था, गलत। बाबू की पत्नी उसे 4-5 रोटी बना देती थी, गलत। बाद में बाबू ने वक्ता को अपनी बेटी की शादी में आने का निमंत्रण देने के लिए फ़ोन किया, सही। लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म लिया, बस अब केवल फीस जमा कराने की बात रह गई है। मैं तो एक से एक बड़े अधिकारी से मिलता हूँ, सरकार से कहो कि ज़्यादा लोगों को तैनात करें। आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। अब कुछ शब्दों में देते हैं आंसर। लेखक ने बाबू से क्या मिन्नतें की? लेखक ने बाबू से मिन्नतें की तत्काल कैटेगरी का पासपोर्ट बनाने के लिए। बाबू रोज कैसे लोगों से मिलता था? बड़े अधिकारियों से, ICS, PCS ऐसे लोगों से मिलता था। बाबू का रात में घर जाने का मन क्यों नहीं करता था? क्योंकि घर पर कोई नहीं था, पत्नी मायके चली गई थी। सो आप लोगों का बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है, फिर नेक्स्ट में हम अगला वीडियो लेकर आएंगे इसी तरह।
सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।